देखेंगे वोट बिल्कुल हिमांशु आपके पास आएंगे, रुख करते हैं। विनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ आगरा से बने, उनके साथ में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी हैं। विनीत ओवर टू यू। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक परिश्रम करते उससे भी कमल खिल रहा है। देखिए बिल्कुल लगातार अगर आगरा की बात की जाए तो मतदान जो चुनाव है वो लगातार इस समय किया जा रहा है, जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं, उत्साह में काफी देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री इस समय एसपी सिंह बघेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं इलेक्शन बागियों से है, बीएसपी और एसपी से मुकाबला से ज्यादा बागियों से आपको अपना चैलेंज मिल रहा है। डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है, ये इसी बात का प्रतीक है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए मारामारी क्यों थी, क्योंकि सिंबल का मतलब लगभग जीत होती है, इसलिए जब परिवार बड़ा होता है तो छोटी मोटी चीजें होती हैं, बर्तन खटकते हैं। तो आपको लग रहा है कि सर बागी इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे? लास्ट में जो कत्ल की रात होती है, जो कल रात गुजरी है, उसमें फिर लोग तय कर लेते हैं कि नहीं, लास्ट में यही होती है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को जीता। आखिरी सवाल सर, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि नगर की सरकार है, ट्रिपल इंजन की बात लगातार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, 17 नगर निगम है और बाकी 700 से ज्यादा नगर निकाय है बाकी, तो क्या लग रहा है आपको, क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं? पिछली बार भी जब देखिए आज से 5 साल पहले नगर निगम के चुनाव हुए थे, तब मोदी जी की सरकार 14 में हुई थी और ये 18 में चुनाव हुए थे, 18 में थे, 4 साल की केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हुआ था, अब 9 साल केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तब 1 साल की राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला था, अब 6 साल राज्य सरकार की योजनाओं को लाभ मिल रहा है, तो इसलिए लाभार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है और लाभार्थी मुंह खाता है तो आंखें झुकती हैं। आयुष्मान कार्ड से किसी का इलाज हुआ है तो मोदी जी को आयुष्मान भाव कहता है, और किसी का जमीन दुकान मकान प्लॉट सुरक्षित है तो वो योगी जी के बुलडोजर का भी धन्यवाद दे रहा है। बघेल साहब से सीधे बात कर लेते हैं और कुछ पॉइंट पूछेंगे और 2-4 सवालों से बातचीत करेंगे। सर इस समय चुनाव का माहौल है और हर जगह उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आपको इस बार जीत के प्रति कितना आश्वस्त है, क्योंकि 3 बार से यहाँ पर बीजेपी जो है वो अपना परचम लहरा चुका है? नहीं, बीजेपी यहाँ 6 बार से अपना परचम लहरा चुकी है, ये 7वां इलेक्शन है और काट की हड़िया, हम गांव के रहने वाले हैं, काट की हड़िया 1 बार चढ़ती है, कभी 6 बार नहीं चढ़ती है। लवानिया जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के श्री रमेश कांत लवानिया यहाँ भारतीय जनता पार्टी से मेयर हुए, मैं राजनीति में था और जब मैं एमपी हो गया था, दल दूसरा था लेकिन बेबी रानी मौर्य बीजेपी से एससी महिला में जाटों समाज की, अगली बार एससी पुरुष हो गया तो जात भी बदली गई, तो किशोरी लाल माहौर करिएगा केंद्रीय मंत्री से कि बीजेपी समाज से प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर लोकल बॉडी इलेक्शन में उतर रही है, क्या रणनीति और खास करके लोकल मुद्दों को लेकर क्यों बचना चाह रहे हैं? चौथी बार में एससी पुरुष हो गया तो इंद्रजी तारिया हुए, 5वीं बार में सामान्य हुआ तो श्री नवीन जैन हुए, तो 6वीं बार, तो ये 7वां इलेक्शन है और निश्चित तौर से आगरा की जनता कह रही है कि जब तक 7वीं बार भी भावर नहीं पड़ती है तब तक मुकम्मल शादी नहीं होती। तय किया कि सभी आपके नगर पालिका नगर पंचायत और आपके नगर निगम आपके द्वारा, क्योंकि बीएसपी जो है कहीं ना कहीं सामने है। देखिए रणनीति क्या होती है, साल भर मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में तो पूरी साल करता हूँ मैं, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ना जाता हूँ, लोकसभा चलती है तो भी लौट के आता हूँ, इतवार का दिन बिना किसी अपॉइंटमेंट के पेड़ के नीचे बैठ के सबसे मिलता हूँ, आगरा तो छोड़ो 14 लोकसभाओं के लोग आते हैं, तो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की कल्याणकारी योजनाएं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का खास तौर से कानून एवं व्यवस्था का स्वर्ण युग गुजर रहा है और हमारा सेवा ही संगठन के तहत बूथ अध्यक्ष से लेके और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो परिश्रम करते हैं उससे पसीने से कमल खिलेगा, और मैं हमेशा कहता हूं कि जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं। भाजपा के ये दिग्गज जो नाराज हैं उनकी नाराजगी की वजह से कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ ये इस बात का प्रतीक है कि एक एक वार्ड पे 10-10 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनना चाहते थे, कमल के निशान लेकर के चुनाव लड़ना चाह रहे थे, स्वाभाविक बात है किसी एक को टिकट मिलती है, हमें थोड़ा जात धर्म क्षेत्र सीनियोरिटी जूनियरिटी योग्यता पढ़ाई लिखाई करेक्टर सेवा ये सबको देख करके हाईकमान वोट करता है टिकट करता है, स्वाभाविक बात होती है, हमारी टिकट कटी थी तो हमें भी कष्ट हुआ था जब कभी, लेकिन 1-2 दिन के बाद सब नॉर्मल हो जाता है और जो है बाद में ये होते हैं कि आजाद कैंडिडेट खड़े रहते हैं और मतदाता भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भाजपा ने एक लेटर दिया चुनाव आयोग को और उसमें कहा कि जो मुस्लिम मतदाता जो महिलाएं हैं खासतौर पर वो बुरके की हार में फर्जी वोट डालेंगे। देखिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव विद आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, तो अगर कोई जैसे आज मैं ही वो बुरके की बात छोड़ो, मैं मास्क लगा के आया होता और मेरी
फोटो आईडी में दूसरा है, गॉगल लगाए हूँ, मास्क लगाए हूँ और पूरा साफा बांध रखा है, तो मेरे को भी तो यहाँ प्रोसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर कहेगा कि जो आपकी वोटर आईडी में जिस प्रकार की फोटो है, फोटो वोटर आईडी में बुरका पहने हुए होती है लेकिन मुंह खुला हुआ होता है, तो वो तो एक पोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि जो फोटो आईडी है और जो वोट डालने जा रहा है दोनों एक होना चाहिए। कितना नंबर देंगे जीत के? 100%। तो एसपी सिंह बघेल केंद्रीय कानून राज्य मंत्री और आगरा के सांसद भी हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 100% भाजपा की सरकार एक बार फिर से यहाँ मेयर सीट पर काबिज होगी और शहर की सरकार वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।